गाय आधारित अगर आप शेड बनाना चाहते हैं तो जबरदस्त शेड बनाया हुआ है यहाँ पे। कितनी कोनों की ऊंचाई रखनी है, बीच की कितनी रखनी है, कितनी लेंथ का ये है, इसमें कितना खर्चा आया और किस तरीके से इसमें खर्चा बचाया इन्होंने, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से बताएंगे। जो यहाँ के ओनर हैं उनसे हम बात करते हैं और इस शेड के बारे में डिटेल से हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया सब। आपका पहले परिचय दीजिए भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राहुल मेघजी भाई हिरानी। राहुल मेघजी भाई, तो राहुल जी इसकी जो अपनी पूरी लेंथ है, लंबाई वहां से लेकर के और इस साइड में उधर तक, ये कितनी होगी लेंथ? 150 फीट का लेंथ है इसका। लेंथ 150 फीट है और 50 फीट का चौड़ाई है। चौड़ाई 50 फीट है। अच्छा, इसमें चार सेक्शन बना रखे हैं। इधर ये खंबा है, ये वाला जो हमें दिख रहा है, फिर एक ये बीच वाला है, फिर उधर वाला है, फिर उधर वाला है। तो इनकी लेंथ कितनी कितनी है, मतलब किनारों की ऊंचाई कितनी है, बीच की ऊंचाई कितनी है? जो बाहर की जो किनारे नहीं है, ये वाले जो पीछे वाले, हाँ जी, इसकी ऊंचाई है 12 फीट। अच्छा, ये वाले जो पोल लगे हुए हैं ये 12 फीट की ऊंचाई पे, बीच में जो पोल लगे हुए जी उसकी हाइट है 14 फुट। अच्छा, बीच वाले पोल है 14 फुट, 14 फुट के, ठीक है जी। और बीच से शेड की ऊंचाई और इसमें तो कितना डिफरेंस हो गया? 2 फीट का डिफरेंस का डाल दिया हुआ है, पानी निकल जावे उसके लिए, पानी और कचरा निकल जाए उसके लिए, ठीक है जी। अभी ये जो अपनी खोर है, खुरली है, और ये बनाए हुए हैं, ये किस तरीके से बनाए, ये कितनी कितनी डिस्टेंस पे बनाए हुए हैं? ये हमने जो बनाया है 15-15 फुट का बनाया हुआ है, 15 फुट में तीन गाय, 5 फुट में एक गाय का जगह। ये वाला एक साइड का 15 फीट का है। हाँ। अच्छा, 15 फीट फिर 15 फीट, 30 फीट और 30 फीट इधर हो गया। अच्छा, उधर भी है अलग से। 15-15 फीट में पाइप लगाया है। हाँ हाँ। उसमें से 15 फीट में तीन गाय बैठ सके। अच्छा, हमने बनाया है। हाँ हाँ। तो समझ लो कि ये 15 फीट का है तो 5-5 फीट में एक गाय आएगी। 5-5 फीट में एक गाय, मतलब एक गाय के लिए दोनों साइड की देखें तो 10 फीट जगह मिल गई। ठीक है जी। इधर दो गाय है तो 5 फीट का रास्ता रख दिया है। अच्छा, 5 फीट का रास्ता इधर से रख दिया हमने, ठीक है। आने जाने में दिक्कत नहीं होती। दोनों जगह से दोनों साइड के बिछड़े में बछड़े रखने के लिए। अच्छा, बछड़े रखने के लिए, मतलब 15 फीट उधर उस साइड हो गया और 15 फीट उस साइड हो गया, बीच में ये बछड़े रखने के लिए। ये कितनी जगह है? ये 15 फीट का ही है, लगभग 15 फीट की ये बछड़ों के लिए जगह होगी। हाँ। ठीक है जी। और ये गौमूत्र स्टोरेज है। अच्छा, ये गौमूत्र स्टोरेज, इसमें हाँ। कैसे आएगा, गाय उधर पेशाब हाँ, करेगी तो इसमें जो पीछे गाय पेशाब करती है डायरेक्ट, ये दोनों बार जो बिछड़े का जो वाड़ा है। हाँ हाँ। वो गौमूत्र टैंक ही है। अच्छा, ये बीच में टैंक है। हाँ, वो टैंक है लंबा, इसमें पेशाब करेंगे तो उस टैंक में जाएगा। हाँ, वो टैंक में जाएगा। अच्छा, गाय भी कोई पेशाब करेगी तो डायरेक्ट टैंक में आता है। अच्छा, एक बार दिखाना, एक बार कहाँ पे बनाया हुआ है तो, और इसकी लाइनिंग जो कैसे दबाई आपने? हाँ, इसके अंदर 4 इंच की लाइन दबाया हुआ है। अच्छा, 4 इंच की लाइन दबाई हुई है। ये बना दिया जैसे जी, ये बनाया हुआ गाय जो गौमूत्र करती है। हाँ, वो डायरेक्ट इधर आता है। अच्छा, इसमें जाएगा, ठीक है। पाइप से लाइन से बना दी, वो डायरेक्ट तो ये टैंक में जाता है। अच्छा, ये सारे जाके इधर बीच वाले टैंक में। हाँ, बीच वाले टैंक में जाता है। अच्छा, नीचे पूरा टैंक है वहाँ से वहाँ तक? ये साइड टैंक है, वो साइड का सामने में टैंक है। अच्छा, दो टैंक है, एक इधर एक उधर। दोनों टैंक 20-20 हजार लीटर का है। कितना? 20-20 हजार लीटर का। 20 हजार लीटर का जी। तो इस साइड का टैंक भी 20 हजार लीटर का। अच्छा, ये यहाँ से भी निकाल सकते हैं? वहाँ हमने वाल सिस्टम रखा है, जब भी गौशाला को धोना है तो गौमूत्र बाहर जाता है जी जी, और गौमूत्र पानी जो है धोने का वो बाहर जाता है और गौमूत्र टैंक में रह जाता है, इसीलिए उसमें सिस्टम रखा है। बाल बदल देते हैं तो धोने का पानी खेत में डायरेक्ट चला जाता है और गौमूत्र में पानी मिक्स नहीं होता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जो ये शेड बना रखी है, अगर यहाँ पे पानी गिरेगा तो वॉल बंद कर देंगे तो टैंक में गौमूत्र के में पानी नहीं जाएगा? पानी नहीं जाता उसमें। हाँ, मतलब पानी है वो अलग जाएगा, पानी खेत में डायरेक्ट जाता है। अच्छा, खेत में जाएगा, वो इंटरनल मतलब अंदर ही अंदर सिस्टम बना रखा है? वो सब सिस्टम अंदर अंदर ही रखा है हमने। अच्छा जी। अभी जो इधर गौशाला में पूरा जो धोने का पानी है, हाँ हाँ, वो सब पानी डायरेक्ट खेत में निकलता है। वाह जी वाह। और फिर चरने की ये खोर? हाँ, गाय को लिए ये खोर रखा है ये। हाँ जी। इसको इधर ही भिगो के, हाँ हाँ, वो कुंडी उसके लिए बनाया, भिगो के नहीं। अच्छा, ये भिगोने के लिए ये कुंडी बना दी, ठीक है जी। और ये गाय को ये चारा डालने का है बनाया है, ये चारा डालने के लिए ये खोर बना दी। उसके बीच में पाइप रखा है जब धोने का है। अच्छा जी। डायरेक्ट धो लेते तो पानी इधर पाइप में से डायरेक्ट खेत में निकल जाते हैं। अच्छा, इधर से पानी सीधा खेत में चला जाता है। ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जी, मतलब ये इसी वाल से जो पानी है वो खेत में चला जाता है और गौमूत्र है वो अपने टैंक में चला जाता है? सबका अलग अलग वाल दिया है, सबका अलग अलग हमने लाइन डाला हुआ नीचे। हाँ हाँ। गौमूत्र का भी अलग लाइन है और हमारा भी अलग लाइन है। अच्छा जी। अलग अलग लाइन से हमने ये
प्रोग्राम सेट किया हुआ है। जी जी, धोने का पानी, पीने का पानी, सबका प्रोग्राम अलग अलग किया हुआ है। ये समझ लो पीने का पानी का है तो उसका भी पीछे से वाल रखा है हमने। अच्छा, ये वाला पीने का पानी है। हाँ, उसका भी पीछे से वाल रखा है। यहाँ से उसका भी पानी डायरेक्ट बाहर जा सकते हैं। अच्छा, इसका भी इसको साफ करना है तभी इससे पीछे से वाल खुल देते तो पानी डायरेक्ट बाहर निकल जाते हैं। अच्छा जी, ऐसे हमने जो बाड़ा बनाया है उसी में ऐसा ही सिस्टम किया हुआ है। ये इधर जो बाड़ा बनाया है वो उसमें भी यही सिस्टम है। वही सिस्टम है। अच्छा जी, वो अवारे बनाया पानी पीने के लिए। हाँ, वो उधर सामने जो दिख रहा है वो। अच्छा, हर एक सेक्शन में अलग से पानी पीने का अलग से बना दिया। सेक्शन में अलग से पानी पीने का सिस्टम है। हाँ, क्योंकि गाय को जब भी जरूरत पड़ती है हमको पता नहीं चलता कि उसको कितना पानी चाहिए। हाँ, इसके लिए हमने ऐसा सिस्टम कर दिया है। जी जी, जितना पानी चाहिए उतना पानी पी सकती है और फिर पानी आ जाता है। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, जैसे अभी इसमें पानी है तो इसमें मैनुअली डालते हो पानी की, कैसे पानी का सिस्टम कैसे बनाया? इसका पानी का सिस्टम जितनी भी कुंडी लगवाई है पानी की उसका सबका लेवल है कि एक लेवल कर दिया, एक लेवल कर दिया है और उसके ऊपर एक टंकी रखा है। टंकी के नीचे एक कुंडी बनाया, कुंडी का और इसका एक लेवल कर दिया है। अच्छा, उसमें बोल वाल लगवा दिया है। मतलब एक बड़ी टंकी है उसमें से एक कुंडी में पानी आता है, कुंडी से इनमें आता है, कुंडी में से सबका लेवल एक हो गया है। अच्छा, उस कुंडी का और इनका लेवल एक हो गया और वहाँ टंकी का सबका एक लेवल है। इसमें इतना पानी कम होता है फिर वहाँ से पानी इधर आ जाता है। अच्छा, उधर बोल लगा रखी होगी, रखे। हाँ हाँ हाँ, इसलिए पानी डालना नहीं पड़ता है। ठीक ठीक, गाय को जितना पानी चाहिए वो पी सकती है। तो अच्छा, एक बार ये दिखाना पानी वाला सिस्टम, जैसे ये होगी वाल अपनी पानी की। जी ठीक है, अब इसमें जितना पानी है आप देख सकते हो भाई, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा काय की वजह से, क्योंकि इधर गाय नहीं है तो पानी नहीं पीती है। अब जो जहाँ पे अपना सिस्टम है जहाँ से पानी आता है इनके लेवल बराबर, वो और दिखाओ जी एक बार मेरे को। ठीक है, दिखा देते हैं। ठीक है जी, और इसमें जी टोटल खर्चा कितना आ गया होगा जी लगभग? हमने जब इसका कोटेशन कटाने दिया था, हाँ हाँ, तभी कोटेशन वाले ने हमको बताया था कि 25 लाख, 24 से 25 लाख में गौशाला तैयार होगी। जी जी, फिर हमने सोचा कि इतना बजट है नहीं हमारा। हाँ हाँ, हमने खुद ने बनाने का शुरू किया, सब मशीनरी वगैरह सब हमने ले लिया। जी जी, वेल्डिंग पेटी जो कटर मशीन जो भी चाहिए। अच्छा जी, फिर हमने शुरू किया तो 2 महीने में ये पूरा बना दिया और 16 लाख में ये गौशाला तैयार हो गया। जी जी, और अच्छा, मतलब 25 लाख से 16 लाख में तैयार हो गया, मतलब इतना कम हुआ? इतना कम हुआ। और जो इसका फिनिशिंग, हाँ हाँ, बनाने दिया को तो इतना फिनिशिंग नहीं आता था, उतना अच्छा फिनिशिंग भी आया। अच्छा, सस्ता काम भी हो गया। ये वाल किस चीज की है, पानी की है कि क्या, लाइट की है? ये लाइट के, ये पीछे जो टिक रहा है। हाँ, ये स्प्रे वाल है। हाँ, ये वो ठंडा रखने के लिए फोकर लगाया है, गाय को जब बहुत धूप पड़ती है। हाँ हाँ, तभी उसमें पानी छोड़ते हैं, गर्मी ज्यादा होती है तो इसको भी चला देते हो तो गाय को ठंडक रहती है। हाँ सही बात है, ये फोकर हो गए। और ये साथ में गोबर गैस प्लांट भी, गोबर गैस प्लांट दोनों। ये कितने आदमियों के लिए सक्सेसफुल रहता है जी? ये 7 से 8 लोग का बढ़िया है। 7 से 8 लोगों का बढ़िया काम चल जाता है। ठीक है जी, ये भी जोरदार हो गए। अच्छा, ये टैंक है अपना बड़ा, टंकी होगी पानी की, 10,000 लीटर का टैंक है। जी जी, इसमें से यहाँ कुंडी बनाया है। अच्छा, ये कुंडी आता है। अच्छा, इसमें इसका लेवल और उसका बराबर, उसका लेवल और इसका लेवल बराबर किया हुआ है। जहाँ उतना पानी जो भरा हुआ है उसने पानी से कम होता है तो यहाँ से बोल वाल में से पानी छोड़ता है। अच्छा जी, फिर वहाँ पानी चला जाता है। अच्छा, ये ऊपर भरने का होगा, ये टंकी भरने का वाल है और ये 2-3 वाल लगाया है, ये पानी जाता है। अच्छा, 2 वाल गाय के दोनों साइड में पानी, गाय के दोनों साइड में अंडरग्राउंड फिटिंग है। अंडरग्राउंड पूरा फिटिंग है, ये कोई भी अंदर बासन धोने का तो उसका पानी की लाइन है। अच्छा अच्छा, पूरा लाइन अंडरग्राउंड फिटिंग में है। तो भाई ये पूरा इसका प्रोसेस है, आप देख सकते हो पूरा शेड जोरदार बनाया हुआ है और इधर साइडों में भी बच्चों के लिए अलग से बनाया हुआ है। ये 1-वे मॉडल है, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इन्होंने इसको बनाया इस मॉडल को, और लगभग इन्होंने बताया कि 25 लाख का मॉडल है, इन्होंने 16 लाख में तैयार कर दिया। मशीनों का खर्चा भी उसी के अंदर आ गया जी? सब मिला के मजदूरी खर्च, हमने जो मजदूरी किया और उसी ने टाइम बताया था कि 6 से 8 महीना लगेगा। हाँ, वो हमने 2 महीना में कंप्लीट करके तैयार कर, पूरे शेड को 2 महीने में कंप्लीट कर दिया। शेड को पूरा, शेड फ्लोर है, ये वॉल दीवार है, सब मिला के। अच्छा जी, पूरा कर। जी जी जी, तो भाई ये मॉडल है, अगर आप यहाँ पे आके देखना चाहते हैं और अपने लिए भी आप इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो शायद 5-6 जगह घूम घाम के और फिर देख करके इस तरह का मॉडल को कॉपी करना चाहिए। इन्होंने बहुत रिसर्च करके इसको शेड को बनाया है। यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी तो है, अगर शेड में आप कुछ परिवर्तन करना चाहें तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कम तो हो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है कि मतलब उसमें अच्छा लगे, तो ये इसमें मेरे को थोड़ी सी खामी लग रही है। बाकी भाई साहब से बात करते हैं।
अच्छा राहुल जी, आपका जो ये फार्म है, आपने काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे को, क्या आपको कुछ ऐसा भी लगता है कि मतलब इसके अंदर जो है कोई कमी रह गई हो, मतलब हालांकि लग नहीं रहा मेरे को कुछ, फिर भी आपको कुछ ऐसा? इसमें एक आप एक वस्तु ऐड कर सकते हो, हमने 3 बाड़ा बनाया है जी। एक बाड़ा में अगर नीचे कंक्रीट डाल देते हैं तो जब भी बारिश का मौसम रहता है तभी गाय को घास चारा खाने में सही देता है जी जी, इसके लिए वो एक ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वो गाय कम है तो हमको चलता है, लेकिन जिसको बड़ी गौशाला बनाने का है जी जी, उसको वो एक बाड़ा में कंक्रीट डाल देगा तो जब भी बारिश का मौसम रहता है तो कीचड़ में गाय को चारा नहीं खाना पड़ता। मतलब जो ये इधर वाले 3 आप बता रहे हो, इनमें से एक साइड में थोड़ा पक्का कर देते तो ज्यादा बढ़िया, पक्का कर देते तो ज्यादा बढ़िया रहता है, ज्यादा बढ़िया। जिसके पास बाड़ा बना हुआ है अगर ऊपर वृक्ष नहीं है जी जी, तो ऊपर उसको शेड के लिए छांव के लिए शेड बना दे जी जी, क्योंकि गाय को भी तड़का लगता है। अच्छा तो राहुल जी, इसमें लगभग ये जो लोहा है ये कितने रुपए तक का आ गया होगा आपका, खाली लोहा? लोहे का खर्च हुआ है हमारा 6.5 से 7 लाख का। 6.5 से 7 लाख पत्रे अलग मिला के, सब मिला पत्रा और जो ये पोल है ये सारे मिला के लोहा, और अंडरग्राउंड जो कंक्रीट में फिटिंग है वो भी मिक्स सब मिला के। अच्छा जी, और कंक्रीट का और मसाले का खर्च और जो पीछे दीवार का खर्च, अच्छा जी, और बाजी मजदूरी का खर्च वो सब मिला के 7 लाख का वो हुआ है, इसलिए 15 लाख 16 लाख पूरा गौशाला तैयार हो गया है जी जी। तो अगर कोई आपकी गौशाला की विजिट करना चाहे तो इस जगह के बारे में बताइए और आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। मैप में डालोगे नीलकंठ गो विज्ञान केंद्र तो हमारा ये गौशाला का मैप में आ जाएगा। नानी नागलपुर गाँव अंजार कच्छ में मिलेगा देखने के लिए जी जी। देखने का समय है 7 से 12 PM शाम को 4 बजे से 6 बजे तक जी जी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7359 जी जी 816838 जी जी, ये मेरा मोबाइल नंबर है जी। तो धन्यवाद राहुल जी, आपने हमें समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी जो बाकी पशुपालकों और किसानों के लिए काफ़ी सहायक होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के अच्छे वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।